हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद पैड। देखते हैं मार्केट कल कहाँ मूवमेंट कर सकता है और कौन से स्टॉक्स हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो कल हम लोग ने बात किया था वीकली एनालिसिस पे कि मिड कैप कुछ ऐसा करेगा, तो क्यों करेगा मैं आपको बताता हूँ। मैं बताया था कि अगर करेगा तो मैं बताऊँगा रीज़न आपको। मैं चार्ट देखने के लिए बोला था। देखो, जब यहाँ से मूव किया ना, डायरेक्टली ये इसको क्रॉस कर लिया था, डायरेक्टली क्रॉस कर लिया था, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया था। ये थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं। अगर यहाँ पर ये एक दो दिन रुकता, देन इसको क्रॉस करता, देन मैं इसमें सेटिस्फाइड होता। लेकिन मुझे पता था कि अगर ये क्रॉस करेगा, फ्लैट ओपन होगी, इसको फिर से क्रॉस करके देन एक सेलिंग आएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने यूट्यूब कम्युनिटी में और इंस्टा ट्विटर में भी मैंने पोस्ट डाला था, तो आप लोग दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हो कि मैंने पूरा एग्जैक्ट बोला था कि इस लेवल से आ सकता है, लेकिन आज तो ओपन होने के बाद ही आया। देन आपको अगर 15 मिनट में देखोगे, आपको हीरो जीरो भी मिला होगा, जैसे आप लोगों को मैं बताया था कि हीरो जीरो मिल सकता है। देखो, हीरो जीरो मिला होगा, ये दो कैंडल में आपको हीरो जीरो मिला होगा अच्छा खासा। तो ठीक है, जो भी रहा अच्छा ही था। तो अभी हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और कुछ, और फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। तो पहले बैंक निफ्टी देख रहे थे। बैंक निफ्टी कुछ खास नहीं है, अभी ये होल्ड कर रहा है अपने आप को। तो बैंक निफ्टी का मैं, मुझे जितना दिखने में आ रहा है कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होता है, फ्लैट ओपन हो इस रेंज में ओपन होके अगर ये 650 को क्रॉस करता है, देन हम लोग एक मूवमेंट मिल सकता है, 800-850 तक का मूवमेंट मिल सकता है। कल मैं ज़्यादा ऊपर की मूवमेंट ज़्यादा बिलीव नहीं करूँगा और ज़्यादा मैं उसमें नहीं रहूँगी। फिर निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा मुझे अलग टाइप का दिख रहा है, कल रिवर्सल्स डे हो सकता है निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी और अगर नीचे गैप डाउन ओपन करता है, इसके नीचे डायरेक्टली ओपन कर देता है, यार 400 के नीचे इस लेवल पे, 400 के नीचे, हाँ 400 के नीचे डायरेक्टली गैप डाउन होता है, देन हो सकता है मार्केट थोड़ा सा स्लाइड कर। देन पहला थोड़ा सा 5-10 मिनट आपको देखना है यहाँ पर कैसा मूव करके, या फिर ऊपर से आगे कुछ, अगर कुछ प्राइस एक्शन बना के गिर रहा होगा, देन आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। बहुत बड़ा गैप अप में इसके ऊपर गैप अप, डायरेक्टली गैप अप हो गया 46,800 इस लेवल पे गैप अप हो गया, देन हो सकता है यहाँ पर आके इस रेंज में, इस रेंज में कहीं पर सपोर्ट बिल्ड करे, देन सपोर्ट करके देन फिर थोड़ा ऊपर जा सकता है 46,800-900, वही जो ओपनिंग रेंज होगी उसी के आसपास क्लोजिंग होगा। देखो, जब मार्केट अपट्रेंड में होता है तो गैप अप होके बाद में ऑप्शन सेलर का मार्केट बन जाता है, आपके हाथ में कुछ आता नहीं है। तो हो सकता है कि अगर मान लो कि गैप अप बहुत बड़ा हो गया, देन आके फिर 46,600 के आसपास आके सपोर्ट लेके फिर जहाँ पर ओपन हुआ था वहाँ पर ही क्लोज कर दें, तो कल ऐसा मूव हो सकता है, रेंज बना रहा है। अभी मार्केट में एक दो दिन तक ऐसे चल सकता है या फिर थोड़ा सा रिवर्सल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, हम लोग निफ्टी देखते हैं। निफ्टी में रिवर्सल्स की बात कर रहा हूँ मैं, निफ्टी में आपको पहले डेली चार्ट में बताता हूँ। निफ्टी में देखो क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल तो बना रहा है, लेकिन खाली इसको छोड़ के कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल तो बना रहा है, बस इसको छोड़ के बाकी किसी में भी कोई दम नहीं है। मतलब ओपन जब गैप अप हो रहा है उसके बाद कुछ दम ऊपर नीचे करके डोजी टाइप का कैंडल बना रहा है। तो मुझे लगता है कल एक रिवर्सल्स टाइप का हो सकता है। अगर कल रिवर्सल्स कब होगा, मतलब कैसे होगा, अगर मान लो कल फ्लैट ओपन होता है मार्केट, अच्छा 15 मिनट में देखते हैं, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज पे ओपन होने के होके फिर थोड़ा सा इसको ब्रेक करे ऊपर के रेंज को, इस रेंज पे ओपन होके फिर ऊपर के रेंज को ब्रेक करे, इसको ब्रेक करे, देन अगर इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर से हो सकता है कि इसको ब्रेक करेगा, बुल को ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद देन फॉल आ सकता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रेंज तक आ सकता है कल, अगर ऊपर आके इस रेंज तक 22,050। कल मैं भी पोस्ट डालूंगा, तो एक्टिव रहना कम्युनिटी पोस्ट में या फिर ट्विटर में, ट्विटर में मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि कल दिख रहा है मुझे कि कुछ होने वाला हो सकता है, लाइक ऊपर जाके फिर आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो थोड़ा गैप अप भी दिया, गैप अप देखे दिन थोड़ा सा एक अच्छा खासा मूव दिया, 22,250 इस तरह का मूव दिया, लोगों को पूरा बुलिश कर दिया फर्स्ट हाफ में, देन सेकेंड हाफ में रिवर्सल आ सकता है निफ्टी में। हाँ, तो निफ्टी मुझे ऐसा दिख रहा है अभी। अच्छा, अभी हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर फ्लैट नॉर्मल ट्रेड कैसे, फ्लैट ओपन हो, इस रेंज में ओपन हो, देन इसको ब्रेक करें, देन हम लोग इस 22,250 तक, 22,250 तक हम लोग टारगेट रख सकते हैं। और अगर बहुत बड़ा गैप अप दें, गैप अप देने से हो सकता है पहले स्लाइड करें, प्रॉफिट बुकिंग आए, देन थोड़ा सा होल्ड करके फिर उसी लेवल में क्लोज हो जाए।
ठीक है। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन दे देता है, गैप डाउन इसके नीचे नहीं देना चाहिए, 22,050-60 के नीचे गैप डाउन नहीं देना चाहिए। 22,050-60 के नीचे गैप डाउन देने से मार्केट फिर बेयरिश बन सकता है, फिर हो सकता है कि थोड़ा सा पहले पुल बैक आए, देन थोड़ा सा साइडवेज रह के देन इसको फिर से ब्रेक करें, तब तो आपको ट्रेड मिल सकता है। निफ्टी का ये हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं फिर फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में भी सेम बैंक निफ्टी की तरह, इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। बैंक निफ्टी की तरह अगर ये इस रेंज पे कहीं ओपन होता है, इस रेंज पे कहीं ओपन होता है, इस रेंज पे सॉरी, इस रेंज पे कहीं ऊपर ओपन होता है, देन इसको ब्रेक करता है 20,600 को ब्रेक करता है, देन आपको एक मूव मिल सकता है 20,700 तक का मूव आ सकता है। और अगर कल एक्सपायरी है तो हो सकता है कि मूव अच्छा खासा आ भी सकता है, या फिर साइडवेज भी कम्प्लीटली रह सकता है। और जैसे कि हमको पता है सेकेंड हाफ में हो सकता है रिवर्सल साइकिल, तो प्रिपेयर रहना। और आपका जो इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है, डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन होता है, इस रेंज के नीचे गैप डाउन होता है, 22,500 के नीचे, 20,500 के नीचे अगर गैप डाउन होता है, देन हो सकता है कि आपका पहले थोड़ा सा पुल बैक आए, देन थोड़ा साइडवेज रह के देन इस सेकेंड हाफ में ब्रेक करे। और आपको पता है कि जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन 12 साढ़े 12 बजे के बाद ही आपको अगर किसी डायरेक्शन पे साइडवेज रह के ब्रेक करे, देन उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना होता है, तब उसको अच्छा खासा एक हीरो जीरो टाइप का ट्रेड मिल सकता है, या फिर 2-2.5 बजे उस टाइम पर आपको रिवर्सल्स के लिए ढूंढना होता है, या फिर कुछ कि उस टाइम एक मूव होता है जो आधा घंटा 1 घंटा में बहुत फास्ट मूव होता है, और उसमें आपका प्रीमियम 3-4 गुना भी हो जाता है। तो कुछ स्टॉक्स देखते हैं, सिप्ला देखते हैं, कुछ स्टॉक्स में लाया सिप्ला, जैसे कि लग रहा है सिप्ला, अगर देखो सिप्ला में स्टॉक्स में मैं डायरेक्टली एक ही चीज़ बताऊंगा, एक ही अगर होता है देन आपको ट्रेड करना है। कल गैप डाउन इसके नीचे नहीं होना चाहिए, 1460 के नीचे गैप डाउन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी ओपन हो इस रेंज में, ओपन कहीं पर भी हो, फ्लैट ओपन हो इस रेंज पे कहीं पर भी ओपन हो, देन आपको वेट करना है 1,471-1,472 ऐसे ब्रेक करने का, देन उसके बाद आपको 5 से 6 रुपये से स्टॉप लॉस रखना, और 1:2 आपका टारगेट रहेगा इस लेवल तक, 1,480-1,485 ऐसा 1:2 टारगेट रहेगा, 5 से 6 रुपये स्टॉप लॉस ही रहेगा, ज़्यादा स्टॉप लॉस मत रखना, ठीक है। फिर आपका आ जाको और क्या है, अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज में भी सेम है, अदानी एंटरप्राइज में भी इसके नीचे गैप डाउन नहीं देना चाहिए, इसके नीचे गैप डाउन नहीं देना चाहिए, 32-40 के नीचे गैप डाउन नहीं देना चाहिए, फ्लैट ओपन करे और इसको ब्रेक करे, तो 32-80 को ब्रेक करने के बाद ही आपको 15 से 20 रुपया स्टॉप लॉस रखना है, और 1:2 आपको मिनिमम टारगेट रखना है, 1:2 मिनिमम टारगेट रखना है, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन हो गए ऊपर वाला ब्रेक करे, देन आपको तब ट्रेड करना है 1:2 टारगेट के लिए, 15 से 20 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। और आपका अपोलो हॉस्पिटल, या अपोलो हॉस्पिटल भी सेम, अपोलो हॉस्पिटल इसके नीचे गैप डाउन नहीं देना चाहिए, 6,625 के नीचे गैप डाउन नहीं देना चाहिए, 6,625 के नीचे गैप डाउन ना देखे, अगर ये फ्लैट होके इस रेंज को तोड़े ऊपर के, 6,675 को तोड़े, 6,675 को तोड़े, देन 20 से 25 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आप लोग आपका मिनिमम टारगेट रहेगा इस लेवल का, 6,700-6,720 इस टाइप का टारगेट रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद हिंदाल्को, हिंदाल्को में बेरिश ट्रेड ही मिलेगा आपको, वेट मतलब देखना है कि ओपन किस रेंज पे हो रहा है, ओपन अगर इस रेंज के बीच में हो रहा है, 5,16 से लेके 5,10 के बीच में ओपन हो रहा है, देन आपको वेट करना है कभी 5,12, 5,11, 5,10 तोड़े, देन आपको 2 से 3 रुपये स्टॉप लॉस रखना है, 1:2 आपका मिनिमम टारगेट रहेगा, टारगेट हो सकता है इस रेंज पे भी कल आ जाए, 506-507 तक भी आ सकता है। देन नेक्स्ट स्टॉक है अदानी विल्मा, अदानी विल्मा पे भी आपको बाइंग के लिए देखना है, आपको देखना है कि ओपन कहाँ हो रहा है, ओपन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा, मतलब अगर आपको उल्टा ट्रेड लेना है आपको आपकी मर्जी, मैं बता रहा हूँ कि जब इंटरडे ट्रेड करोगे आपको पहले से बायस रहना है कि मैं इस तरह से ट्रेड करूँगा, देन ओनली आप ज़्यादा उस पर काम कर सकते हो। फ्लैट ओपन हो के इस रेंज के नीचे ऊपर ओपन हो, 364 से लेके 370 इस रेंज पे ओपन हो, देन आपको 370-71 तोड़े, देन आपका सेम इसमें 1 से 2 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, 2 रुपये जैसे स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 आपका मिनिमम टारगेट रहेगा। तो ये 5 स्टॉक्स था, और हम लोग ने फिर निफ्टी का बात किया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों तीनों का बात किया, और बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए कल मैं कुछ कम्युनिटी पोस्ट में और ट्विटर में कुछ पोस्ट डालूंगा, अगर ओपन होने के बाद, मार्केट ओपन होने के बाद डालूंगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, और अपना ख्याल रखना, और अगर हाँ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना दोस्तों के साथ, चलो ठीक है, बाय, और अपना ख्याल रखना।